हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सूजी के हलवे के लिए मैंने पानी उबाल लिया है, उसमें चीनी डाल दी है, केसर डाल दी है, साथ में इधर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा देसी घी। और सूजी जो है मैंने पहले से ही भून के रख ली थी, तो बस इधर सूजी डाल दूँगी और हलवा बन रहा है। साथ के साथ इधर मैं सूजी के अप्पे भी बना रही हूँ, क्योंकि अयान को ना टिफ़िन के लिए मुझे देना है, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ एक साथ कि जितनी चीज़ें बन जाएँ। तो बस इधर अप्पे भी रेडी हो रहे हैं, एक साइड इधर हलवा रेडी हो रहा है और अयान अभी सो रहा था। मैं अयान को उठाती हूँ 7 बजे, क्योंकि 8 बजे उसका स्कूल है, तो बस मैं उसको 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक लगभग सोने देती हूँ। जब खुद से अगर उठ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 6:30 या 7 के बीच उसे उठा देती हूँ। तो बस इधर हलवा बन गया था, ऊपर से मैंने डाल दिए हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और साथ में डाल दिया है मैंने इसमें इलायची पाउडर। हलवे में अगर इलायची पाउडर नहीं डाला ना तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और हलवा जो है मैं नाश्ते के लिए हलवा और सूजी के पे हस्बैंड को नाश्ते के लिए दे दूँगी। और उसके बाद मैं उठाऊँगी अयान को और अयान को आज मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ सूजी के अप्पे, सूजी का हलवा और साथ में आलू का पराठा। तो ये अयान के टिफ़िन में जाएगा और हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी और पराठा। तो चलिए इधर हस्बैंड के लिए जो नाश्ता है मैंने वो भी लगा दिया। वेरी गुड मॉर्निंग, बज रहे हैं 10:45 बजे। मैं आज आ गई थी जिम से, आज मैं जिम चली गई थी 8 बजे। जब अयान स्कूल गया था तो मैं साथ में ही निकल गई थी अयान के, इन्होंने मुझे भी छोड़ दिया था और अयान को भी छोड़ दिया था, और ऑफिस जाने से पहले ये मुझे घर छोड़ के चले गए। और मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि आज मैं नाश्ता करके नहीं गई थी ना चाय पी के गई थी। तो बस अभी मैं चाय बनाऊंगी और जल्दी से काम निपटाऊंगी, क्योंकि 12:30-12 बजे तक भाभी आ जाएंगी। सोच रही हूँ उनके आने से पहले जल्दी से सारा काम निपटा लूँ, और अयान आएगा 1 बजे तक, भाभी भी ऐसे ही 12:30-1 बजे तक आएंगी, तब तक आराम से मेरा काम भी निपट जाएगा। और पहले तो फिलहाल मैं पीऊँ चाय, क्योंकि मुझे सुबह चाय पी नहीं थी, तो अब लग रहा है जल्दी से मैं चाय पी लूँ। मैं मतलब सब कुछ छोड़ सकती हूँ बट चाय नहीं छोड़ सकती, तो इसलिए चलिए जल्दी से चाय पीते हैं फिर काम में लगते हैं। स्कूल से डायरेक्ट बंटू, स्कूल से डायरेक्ट बुआ के यहाँ गई। तो चले चेंज कर दो, चेंज कर दो कपड़े, अभी अयान भी आने वाला है आधे घंटे। चप्पल चप्पल। तो इधर भाभी आ चुकी थी घर और आते ही वो लग गई काम में, बोली तुम अपने दूसरे काम निपटा लो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। तो बस इधर उन्होंने चाय बना दी और तब तक मैं नहा के भी आ गई थी, और अयान भी स्कूल से आ चुका था। और अयान जैसे ही आया ना, भाभी जब उसे रिसीव करने गई, अयान इतना खुश हो गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और भाभी आई थी ना तो अयान के लिए लेके आई थी स्पाइडर मैन, और उस स्पाइडर मैन के साथ क्या हुआ ना, ये मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगी। Thank you.
तो बज रहे हैं शाम के 7:15 और मैंने अभी बनाया है खाना, राजमा और चावल। और मैंने आपको दिन में बताया था कि भाभी आएंगी, भाभी दिन में आई थी, अयान के लिए लेके आई थी एक स्पाइडरमैन जिसको अयान ने तुरंत तोड़ दिया। तो मैंने उसकी फोटो भैया को भेज दी थी कि देखो लाए, अभी आया और अभी तोड़ दिया। अच्छा भैया, मुझे नहीं बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भैया उसके लिए एक और फिर से लेके आ जाएगा। तो उसका कॉल आया कि अभी तुम लोग आ जाओ, अयान के लिए मैं एक और लेके आया हूँ, उसको ले जाओ आके। तो जो खाना मैंने बनाया है वो मैं पैक कर लूँगी, सारा खाना मैं घर लेके जाऊँगी, सब लोग साथ में वहीं पर खाएंगे। और ये जो टूटा हुआ स्पाइडरमैन है ये मैं भैया को वापस कर दूँगी, फिर से अयान के लिए दूसरा स्पाइडरमैन लेके आऊंगी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक तोड़ दिया उसने तो वो तुरंत दूसरा वैसा ही एक और लेके आ जाएगा। और ये स्पाइडरमैन है ना, ये ऐसे वाला था कि ये चलता था और अपनी गन से फायर करता था। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसकी क्या हालत, इसके तार वार सब निकाल दिए, तो बिल्कुल तोड़ दिया। तो अभी घर जाएंगे, दूसरा स्पाइडरमैन लेके आएंगे। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दिन में भाभी आई और शाम को हमें फिर से जाना। और जब तक ये आएंगे तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, अयान को रेडी कर देती हूँ ताकि जैसे ही आए हम लोग निकलें, क्योंकि बाहर मौसम भी भरोसा नहीं है कब बारिश होने लगेगी। तो बस जल्दी से मैं रेडी होती हूँ और अयान को रेडी कर। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पहना है सूट, अयान को भी रेडी कर दिया है और पसीना कितना आ रहा है। और राजमा मैंने टिफिन में पैक कर लिया है, चावल अभी कुकर में थोड़ी सी सीटी हो जाए, मतलब ठंडे हो जाए, फिर इसको मैं टिफिन में पैक करूँ। राजमा इधर मैंने पैक कर लिया और बाहर का मौसम मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, तो बस जल्दी से वेट कर रही हूँ ये आ जाए फिर हम लोग तुरंत निकल जाए। तो बस मैं आ चुकी थी घर और ये देखिए अयान को आ रही है नींद, क्योंकि वो ना सारा दिन नहीं सोया था स्कूल से आने के बाद, बस वो खेल में ही लग गया था और बिल्कुल नहीं सोया था। उसके बाद फिर वो ये लो अयान स्पाइडरमैन यार, इसके ऊपर ये लगी है, चल अब तो बस। अभी टूटा नहीं है। मिल गया स्पाइडरमैन नया, एक तोड़ के दूसरा तुरंत मिल गया। छोड़ दो, छोड़ दो, चलने दो यार। गोली मारे। थैंक यू तो बोल मामा को, थैंक यू बोल दो मामा को, थैंक यू बोल दो मामा को। अब मामा यार थोड़ी ना आएंगे, क्या तुमने उसको तोड़ा क्यों, टूट जाएगा वहां से। अरे उसको क्या हो, तो अयान अपना स्पाइडरमैन लेके हो गया था बहुत खुश, वो लग गया था खेल में। और अब टाइम आ जाता है सबका खाना खाने का। राजमा चावल तो मैं साथ में लेके आई थी, बाकी पनीर बटर मसाला और रोटी भैया बाहर से लेके आ गया था। तो बस इधर लग रही है मेरे लिए प्लेट और इस वाले वीडियो को अब मैं करूँगी यहीं पर एंड। मैं मिलूँगी आपसे एक अगले वीडियो में। वीडियो अगर कहीं भी पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।